वेलकम और आज हमारे क्वांटम मकैनिक्स की एम सी क्यू की सेकेंड वीडियो है की तो स्टार्ट करते हैं कोई डाउट हो फिर बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए और कोशिश करूँगी कि सोल्यूशन साथ के साथ बता दें बट स्टिल अगर कोई मैंने सोल्यूशन नहीं बताया और आपको डाउट है तो भी वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए मैं उसका लिंक फिर आपको शेयर करूँगी सोल्यूशन का if element with principal quantum number n is greater than 4 were not allowed in nature the number of possible element would be 60 32 4 64 तो मैं आज थोड़ा टाइम दूंगी आंसर करने के लिए सॉल्व करने के लिए ओके टाइम अप्स तो कौन सा सोल्यूशन लगेगा या कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो पॉसिबल स्टेट कैसे निकाल लोगे सम्मीशन टू एन स्क्वायर से एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे गिवन है एन इज़ नॉट ग्रेटर देन फोर तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे सारी वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर सबका सम्मीशन करेंगे तो आंसर आएगा थर्टी तो टू इंटू थर्टी सिक्सटी यस ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन तो जिसने भी आंसर सही दिया था उसको भी एक क्लैपिंग कर देते हैं एल्डन द आइनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज थर्टीन पॉइंट सिक्स वोल्ट एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज थ्री पॉइंट फोर ई ईवी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू ई तो फिर टाइम दे कौन सा फॉर्मूला लगेगा कैसे सॉल्व करेंगे ओके okay, हो गए हैं तो हम करेंगे थर्टीन पॉइंट सिक्स को क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट से रिमूव कर रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट तो एन की वैल्यू टू हो गई तो थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन टू स्क्वायर मतलब फोर थर्टीन पॉइंट को फोर से डिवाइड किया तो आंसर हो गया थ्री पॉइंट फोर ई

वेरिएशन ऑफ मास को नेगलेक्ट किया हमने यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को नेगलेक्ट करके हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं या डीप ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाह रहे हैं तो जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं बेसिक सा लैमडा इक्वल टू एच अपॉन टू एम नॉट ई अब ये कहाँ से आया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जहाँ पर ये सॉल्व करके दिखा रखा है मैंने ठीक है तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं तो आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ई टू पावर माइनस हाफ मैटर वेव्स आर लॉन्गिटुडनल, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑलवेज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, शो डिफ्रेशन। तो थ्योरी का क्वेश्चन है, सोचने का टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना? तो आंसर हो गया, शो डिफ्रेशन, मैटर वेव्स, शो डिफ्रेशन, D ऑप्शन इस अ करेक्ट ऑप्शन। एक चार्ज पार्टिकल ऑफ मास्� v v टू पावर हाई v टू पावर माइनस हाई v स्क्वेर तो सेम इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है ये बट आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपको वो टाइम दे रही हूँ मैं सॉल्व करने का कौन सा फॉर्मूला बन के आएगा ओके तो फॉर्मुला बन के आएगा लैमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम नॉट क्यूवी चार्ज पार्टिकल है वी पोटेंशियल से एक्सिलेट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी क्यूवी के बराबर होती है तो अभी जो लास्ट एक्सप्रेशन हमने पीछे लिखा था डी ब्रॉगली पे ई की जगह क्यूवी हो जाएगा तो सेम यही एक्सप्रेशन है तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू तो शोडिंग कर अ पार्टिकल एक सिंगल वेव वेव पैकेट लाइट वेव कैन नॉट बिहेव एज तो थ्योरी का क्वेश्चन है है ना तो हम पार्टिकल को किसके क्यूबेल दिखाते हैं क्वांटम क्वान्ट यस करेक्ट ऑप्शन इज वेव पैकेट जो पता है आप सबने सही आंसर बताया है ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद सेम वेलोसिटी वन विच है कौन सा फॉर्मुला यूज होगा डीप्रॉगली हाईक्ट एच तो अपॉन एम बी अब इससे तो बता देंगे जिसका मास जितना कम उसकी वेबलेंथ उतनी ही ज्यादा और लार्जेस्ट हो जाएगी तो मास लेस है इलेक्ट्रॉन का

फॉर्मूला लगे जो जो पीछे दिया था है ना लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम नॉट ई तो मास यहाँ पे भी मास पे इन्वर्स की प्रोपोर्शनल है और वो भी हाफ पावर पे माइनस हाफ पावर पे तो ऑप्शन ए द एक्सप्रेशन मॉड शाइ आर टी स्क्वेयर स्टैंड्स फॉर और वी कैन से शाइ शाइ स्टार पोज पोजिशन प्रॉबिबिलिटी डेंसिटी नॉर्मलाइजेशन टाइम प्रॉबलिटी डेंसिटी तो लास्ट है ये क्वेश्चन आंसर दीजिए इसका बताइए आंसर क्या है बिल्कुल सही पोजिशन प्रॉबिलिटी डेंसिटी शाही शाही स्टार और मॉट शाही स्क्टैंड फॉर पोजिशन प्रॉबिबिलिटी डेंसिटी तो यहाँ पे आज की हम भी ज्वाइन करते हैं आप फिर बोल रहे हैं एक बार कि अगर आपके डाउट्स हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए मेरी कोशिश रहेगी कि उनके लिंक्स या नेक्स्ट वीडियो में उनको ऐड करके सॉल्यूशंस को अगर नहीं इसमें बताया गया है तो मैं उनको वीडियो को अपलोड करूँ कीप वॉचिंग थैंक यू